इट्स मी हफ्सा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई नो लाइक मैंने बहुत देर से लाइक वीडियो नहीं बनाई, और जो अगर एक दो बनाई भी है उसमें मैंने अपना फेस नहीं दिखाया। सो बहुत देर बाद मैं वीडियो में अपना फेस दिखा रही हूँ। सो डिस्क्लेमर, इट्स गोना बी ऑकवर्ड। अभी लाइक चलो अभी ये तो सोच लिया कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि कॉन्टेंट नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने अपनी रिसर्च की, चलो एक रेसिपी मिल तो गई, लेकिन अभी मसला ये है, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ शेफ़। लाइक जो मैं अपनी पहली वीडियोस बनाती थी लाइक कुकिंग की, तो वो लाइक मैं मतलब कोई बड़ा होता था मेरे साथ तो लाइक कोई मसला हो भी जाता था तो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अभी मैं अकेली हूँ, लाइक मैं किचन, बर्तन, खाना, बस। सो अभी ये मुश्किल होने वाला है, अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं इतनी अच्छी कोई शेफ़ नहीं हूँ। सो चले देखते हैं। सो जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है आलू जिंगर फ्राइज़। एंड ऑफकोर्स आलू जिंगर फ्राइज़ के लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए, जो मैंने धो लिए हैं। सो अवर फर्स्ट स्टेप इज़ आलू को छीलना और काटना, जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन। सो हमने जो है सक्सेसफुली आलू को पील कर लिया है, आलू को छील लिया है, एंड सरप्राइजिंगली आई डिडंट कट माई फिंगर। सो जो मेरे साथ होता रहता है बिकॉज आई एम रियली क्लमजी। सो अभी हम आलू को काटेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अभी आलू को किस तरह कट। सो हेयर अभी हमने पोटैटोज़ को फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लिया है, और अभी हम इनको पानी में डालेंगे फॉर ऑलमोस्ट 3 to 5 minutes के लिए हम इसको पानी में रखेंगे। सो अभी हम लोग पोटैटोज़ के लिए मिक्सचर बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 cup मैदा। उसके बाद मैंने डाला है 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड 1/4 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर एंड 1/4 teaspoon ऑफ ज़ीरा, एंड उसके बाद 1/4 teaspoon ऑफ चिकन पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें 1 cup पानी डाला है, एंड अभी हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये एक स्मूथ सा जो है पेस्ट बन जाएगा, और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए। अब हम लोग पोटैटोज़ को पानी से निकाल देंगे। यहाँ पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें पोटैटोज़ को मिक्सचर में अच्छी तरीके से डिप करना है एंड देन इनटू द फ्राइंग पैन, जहाँ पर ये फ्राई होगा ऑफकोर्स। ये है अब हमारा सेकंड बैच। इसको भी हमने फर्स्ट वाले की तरह अच्छी तरह से मिक्सचर में डिप करना है, और उसके बाद इसको भी फ्राइंग पैन में फ्राई करना है।
देख सकते हैं कि हमारी डिश रेडी हो गई है और हमने इसे डिश आउट कर दी है. सो नाउ द बेस्ट पार्ट, टेस्ट टेस्ट. सो ये बनाने में मुझे लगा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स. यस, तो अभी हम अपने 45 मिनट्स की मेहनत को टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है. सो मोमेंट ऑफ ट्रुथ विद सम, आई एम गोइंग टू टेस्ट इट विद सम केचप. सो ओके, सो ये थोड़ा यू नो पकौड़ों की टेस्ट दे रहा है, मगर ये है काफ़ी टेस्टी. सो अगर हम सादा फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं तो उससे अच्छे हम ये बना लें बिकॉज दे आर मोर टेस्टियर. सो हाँ, ये बहुत मज़े के हैं. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा. मैंने बहुत देर बाद एक इसी तरह वीडियो बनाई है. सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा. फिर मिलेंगे, टाटा बाय.